नमस्कार दोस्तों, आर्ट एंड वेचेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक योग के नियम पढ़ लिए हैं और उनमें मैंने प्रथम एन पदों के योग का नियम बता दिया है, प्रथम एन पदों के वर्गों का योग, घनों का योग बता दिया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पहाड़ों का योग हम कैसे निकालते हैं, या फिर हम कहें गुणजों का योग क्या निकाल कैसे निकालते हैं। गुणज का मतलब क्या है आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं दो के गुणज, तो दो के गुणज का मतलब है दो इक्के दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौके आठ, दो पंचे दस, दो छः बारह, ये सभी दो के गुणज कहलाएंगे। ये जो दो है ये दो का प्रथम गुणज कहलाएगा, ये द्वितीय गुणज कहलाएगा और ये तृतीय गुणज कहलाएगा। तो अगर हम इसका पूरा देखें और हमसे कहा जाए कि दो के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, तो इसका जो फार्मूला है वो तो डायरेक्ट आपको मैं बता दूं, आप कर ले जाओगे तुरंत। लेकिन ये फार्मूला बनता कैसे ये आप देख लेंगे तो आपको कभी ये भूलेगा नहीं। तो देख लेते हैं, हमसे अगर कहा जाए, क्वेश्चन हमारा अगर बनता है कि दो के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, यहाँ पर दो के प्रथम 10 गुणज हो सकता है, 10 का प्रथम 10, 3 का, 4 का, 5 का, किसी का भी पूछे, अभी आप आराम से कर लोगे। तो दो के प्रथम 10 गुणज क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो ये दो के प्रथम 10 गुणज हो गए, हमें इनका योग लेना है। आपको जैसा कि मैंने बताया है हिंट देकर के पीछे जो नियम नियम बताए हुए हैं, यहाँ पर आप अगर दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो यहाँ दो गुणे में आ गया और ये 1 से लेकर के 10 तक का योग है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है जो क्या होता है, सिग्मा 10। तो ये आपका आ गया 2 गुणे सिग्मा 10। सिग्मा 10 आप जानते ही हैं, NN+1/2 से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो किसी भी संख्या के प्रथम जितने गुणज कहे जाएंगे वो हमारा फार्मूला ये बनेगा। अब इसी को मैं फार्मूला में कन्वर्ट करने वाला हूँ। मान लीजिए आपसे कहा जाता कि x के प्रथम n गुणजों का योग बताइए, तो क्या आएगा हमारा आंसर। देखिए x के प्रथम n, तो हमारा क्या निकला है, x सिग्मा n। ये आपका फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। किसी भी संख्या के प्रथम, ध्यान रखिएगा प्रथम, अगर प्रथम ना हो, बीच से पदों को उठाया जाए, तो आपकी पुरानी वही टेक्निक उसको हम यूज करेंगे। सबसे पहले आप इसको यहाँ समझ लीजिए, फिर मैं आपको वो करवा रहा हूँ। x के प्रथम n गुणजों का योग क्या होगा, x सिग्मा n। 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा, 7 सिग्मा 5। सिग्मा 5 का मान होगा 5 × 6/2। और कह दिया जाए 10 के प्रथम 100 गुणजों का योग क्या होगा, तो 10 सिग्मा 100। सिग्मा 100 का मान आप जानते हैं NN+1/2 से निकल जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। आप इसको हम आगे अब छोड़ रहे हैं आपके ऊपर, आप इसको करिएगा और मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बाद में यहाँ पर दे दूंगा। एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं सभी चैप्टर जो अभी तक पढ़ा चुका हूँ, जो भी टॉपिक्स हमने बता दिए हैं आपको, उनसे रिलेटेड मैं आपको वहाँ पर क्वेश्चन करवाऊँगा। जैसा कि योग के नियम, इकाई के अंक निकालने वाला मैंने करवाया है, तो ये सारा चीज़ मैं वहाँ पर करवाऊँगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जो गुणजों को प्रथम ना लेकर के बीच से करें। मान लीजिए हमको दे दिया गया है 7 का गुणज, हम ले लेते हैं, और मान लीजिए हमको 5 से दिया गया है, 7 × 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 70, 7 × 10 = 70 और 11 × 7 = 77। हमें मान लीजिए इसका योग निकालने के लिए कहा गया है। तो ये आप देख सकते हैं, आपको जब भी इस तरह का कोई योग दिया जाए तो आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये कोई पहाड़ा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जब भी हमें ऐसा दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा अगर एक ऑर्डर में नहीं रहेगा तो ऐसा रहेगा। ऑर्डर में देने का मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दे सकता है, या 100, 101, 102, मतलब एक क्रम से देगा। तब आपके सारे जो फार्मूले हैं सिग्मा एन स्क्वायर वाले वहाँ से लगेंगे, अगर वर्ग होगा तो एन स्क्वायर,
अगर सिंपल होगा तो सिग्मा एन से लगेगा, लेकिन अगर इस तरह से दे देता है बड़ी बड़ी संख्याएं, तो यहाँ पे आपको तुरंत एक चीज़ देखनी होगी कि ये 7 का गुणा जो है, 7 पन्ना 35, 7 6 42, 7 7 49, तो ये क्या लिखा है कि जो है 7 के गुणज लिए गए हैं, लेकिन कहाँ से लिए गए हैं, 5 6 7 8 9 10 और 11 लिए गए हैं। मतलब कि यहाँ पर जो दिया गया है ये सिग्मा 11 नहीं दिया गया है। हमने आपको समझाया था कि जब मध्य पदों का योग हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो ये 7 गुणा, अब ये मध्य पद हमको दिए हैं सिग्मा 11, मतलब कि 1 से लेकर के 11 तक, जबकि 1 से लेकर 4 तक यहाँ नहीं दिया गया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सिग्मा 4। ये आंसर हो जाएगा इसका। ध्यान से एक बार फिर समझ लीजिए, हमको कितना दिया है, 5 से 11 तक दिया है और लगातार दिया है 5 6 7 8, तो हम क्या करेंगे 1 से 11 तक का हम लिख लेंगे, और 1 से 11 तक में हमको 1 से 4 तक का मिसिंग है, नहीं दिया गया है, तो इसको हम घटा देंगे। सिग्मा 11, 11 × 11+1/2, n n+1/2, यहाँ पर भी n n+1/2, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका गुणज वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब ये गुणज में अभी तक हमने जो है सिग्मा n वाला फार्मूला यूज किया है, तो हमने देखा कि x के हमारा जो फार्मूला अभी बना है उसको मैं लिख रहा हूँ फिर से, x के प्रथम n गुणजों का योग हमने अभी अभी निकाला है x × σn, जहाँ पर सिग्मा एन है n n+1/2, ये n n+1/2 ये आपको मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो अब यहाँ पर हमसे कहा गया है x के प्रथम n गुणजों का योग, अगर हमसे कह दिया जाए x के प्रथम n गुणजों के वर्गों का योग, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहीं पर वर्ग कर लेना है x² σn² क्योंकि फिर हमें ये दे दिया जाएगा 2² + 4² + 6² + 8² + 10² मान लेते हैं 2 के प्रथम, ये क्या लिखे हुए हैं, 2 के प्रथम 5 गुणज लिखे हैं और इनके वर्गों का योग हमें निकालना है। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, और यहाँ 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ 2 3 6 होता है, वर्ग दोनों में समान रूप से वितरित होगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ निकल आएगा, तो यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे हम, 2 का स्क्वायर × σ 5 का स्क्वायर। तो 2 के प्रथम 5 गुणजों के वर्गों का योग कुछ नहीं, उसी के फार्मूले में सीधा यही आप काम कर दीजिए। इसके बाद इसी तरह आपसे कहा जाए कि x के प्रथम n गुणजों के घनों का योग, तो आप सिंपली इसे ये कर दीजिए और बाकी फार्मूला आप समझते हैं जानते हैं। सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला आपको बताया गया है 1/6 n n+1 2n+1 होता है, और सिग्मा एन क्यूब का फार्मूला होता है सिग्मा एन का होल स्क्वायर या n n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये एकदम इजी था, सिंपल था, मैंने इसको वहाँ जानबूझ के नहीं बताया था क्योंकि ये थोड़ा सा अलग चीज़ था, उसका एक अप्लीकेशन था, तो यहाँ पर आपके समझने के लिए ज़रूरी है। अब इसके बाद मैं आपको समांतर श्रेणी का योग समझा देता हूँ, तो इन चीज़ों में आपका जो अंतर है वो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि समांतर श्रेणी में क्या फ़र्क है और सामान्य इन सभी में क्या फ़र्क है। तो अभी तक हमने आपको सिग्मा एन बताया, सिग्मा एन के मध्य पदों का योग बताया, सिग्मा एन से हमें जो है गुणज कैसे निकालने हैं, गुणजों का योग कैसे निकालना है ये बताया, सिग्मा एन स्क्वायर बताया मैंने, सिग्मा एन क्यूब बताया, और सभी विषम संख्याएं जो प्रथम एन विषम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा, एन स्क्वायर होगा, ये मैंने आपको बताया। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हुई हैं। अब मैं आपको समांतर श्रेणी वाला टर्म बताता हूँ, ये कैसे होता है समांतर श्रेणी। तो ये आपके लिए मैं समांतर श्रेणी यहाँ पर समझाने वाला हूँ, समांतर श्रेणी क्या है। सबसे पहले समांतर श्रेणी समझ लीजिए क्या है, समांतर समान अंतर से बनता है हमारा समांतर श्रेणी। तो जब भी पदों में समान अंतर हो तो उस तरह की श्रेणी जो हमारी बनती है उनका योग जो बनता है उन्हें हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा 100 110 120 130, मतलब अगर इस पद से इसको घटाएं तो 10 आएगा, इससे इसको घटाएं तो 10 आएगा, इससे इसको घटाएं तो 10 आएगा, इससे इसके पहले वाले पद को घटाएंगे तो 10 आएगा। अब समांतर श्रेणी में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारा होता है प्रथम पद,
जिसको हम ए कहते हैं, और ये हमारा होता है अंतिम पद जिसको हम लोग एल लिखते आए हैं, और ये जो हमारा अंतर निकल के आया 110 माइनस 100 या 120 माइनस 110, आप कहीं से भी ले लीजिए क्रमांक। इसके जस्ट पहले वाला टर्म 200 होगा, या 210 माइनस 200, ये सभी कितने आते हैं 10। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारा सारवंतर, इसको हम क्या कहते हैं डिफरेंस डी। तो हमारे पास महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या मिल गई हैं आपको, यहाँ पर ए मिला, डी मिली और एल मिला, तीन चीज़ें मिली यहाँ से। समांतर श्रेणी हमारी क्या है, ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो ये प्रथम पद है, सारवंतर हमारा वो निकलेगा जो पदों के अंतर का होगा। अब एक छोटी सी चीज़ और समझ लीजिए कि इस श्रेणी को समांतर श्रेणी में अलग से मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका योग आप देख लीजिए, ना तो गुणज से निकाल पाएंगे ना तो मध्य पदों के योग से निकाल पाएंगे, इसलिए ये श्रेणी एक अलग प्रकार की, अलग तरह की श्रेणी है जिसको बताना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका क्वेश्चन आ जाए तो आपसे कभी गलत ना हो। तो हमारे पास जो ये बनता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एल अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस एन माइनस वन बाई डी। अब देखिए, इसमें मैंने आपको एल बता दिया है अंतिम पद है, ए प्रथम पद है, एन अभी मैंने आपको नहीं बताया है, और ये डी क्या है सारवंतर, ये जो अंतर है प्रत्येक पद के बीच का। तो एन क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब ये जो आपको मैंने यहाँ पर सवाल लिख के दिखाया है, इसमें प्रथम पद दिया, अंतिम पद दिया, सारवंतर दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो ये पदों की संख्या नहीं दी। आपसे इस तरह दे करके पूछ सकता है इसमें कुल कितने पद होंगे, या तो पद बता करके, सारवंतर बता करके, प्रथम पद बता करके आपसे अंतिम पद पूछ लिया जाए कि अंतिम पद कौन सा होगा। तो ये जो एल है इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं टी एन, टी एन का मतलब है एनवा पद। एनवा पद का मतलब अगर हमसे इस श्रेणी का पाँचवा पद पूछ लिया जाए, पाँचवा पद इस श्रेणी का, तो हम यहाँ पर एन की जगह 5 रख देंगे और बाकी सारे हमारे टर्म वैसे ही चलेंगे जैसे यहाँ पर चल रहे हैं। तो चलिए इसको अभी मैं सॉल्व करके थोड़ा सा इसमें एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। मान लीजिए कि मैं इसके पदों की संख्या मान लीजिए हमको निकालना है, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ, केवल क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं। हमारा फार्मूला क्या बन के आया है, टी एन बराबर जिसको हम एल भी कहेंगे अंतिम पद, ए प्लस एन माइनस वन। अगर हमसे इसमें दसवां पद पूछा जाए टी टेन, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए 100 प्लस 10 माइनस वन, और हमारा अंतर कितना है 10, तो ये आ जाएगा 100, और 10 में से एक गया 9 प्लस 90, ये आ जाएगा 190। हमारा दसवां पद इसका 190 होगा। और इसमें अगर पदों की संख्या हमसे पूछा जाए तो हम अंतिम पद लिख देंगे, इससे लगाएं अगर हम, तो अंतिम पद यहाँ 210 इक्वल टू प्रथम पद 100 प्लस एन हमको निकालना है, तो एन माइनस वन, डी कितना है 10 है, ये इधर आ जाएगा तो 110 हुआ, और बटे 10 कर देंगे एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा 11, और इधर से एक, तो एन बराबर। तो आपने देखा कि जो है इसका पदों का कितने इसमें पद हैं, 12 पद निकल के आ रहे हैं इस श्रेणी के, ये समांतर श्रेणी थी। तो अब हमें ये तो हमने अभी तक काम किया इसमें कि प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, इसमें पद कितने हैं, ये सारी बातें हो गई। और अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि यही हमारी जो ये श्रेणी चल रही है, हमने टोटल तो इसमें 12 पद निकाले, तो ये हमारी जो श्रेणी थी इसमें तो हमें निकल के आ गए कि इसमें हमारे टोटल 12 पद दिए गए हैं। लेकिन अगर अब हमें इस श्रेणी में हमें कहा जाए इसका अगला पद क्या होगा, तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं इसका सारवंतर कितना है 10 है, तो अगला पद इसका निश्चित रूप से 220 होगा, फिर उसके अगला पद 230 होगा, ये तो एकदम निश्चित चीज़ है। हमें अगर 13वां पद निकालना है तो हमें एन की जगह 13 रख देना है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा फार्मूला होता है। हमारा ए कितना दिया गया है 100, और एन अब की बार कितना है 13, तो 13 में से एक निकला 12, सारवंतर कितना है 10, तो 100 धन 120
ये कितना हो गया 220, जो कि जस्ट अगला पद है। टोटल 12 पद हैं, 13वां पद ये होगा। तो ये हमारा ये फार्मूला था कि हम किसी दी गई समांतर श्रेणी के पदों का कौन सा पद कहाँ है और कितना है ये हम कैसे निकालेंगे, और पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, ये अभी मैंने इसी फार्मूले से आपको समझाया हुआ है। ये तो हो गया समांतर श्रेणी के अंदर की बात कि प्रथम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, सर्वांतर क्या है और कितने पद हैं, या फिर एनवा पद कौन सा होगा, ये तो इसकी बात हो गई। अब मान लीजिए इसका हमें 50वां पद निकालने के लिए कहा जाए, कहा ये श्रेणी ऐसे ही चला दी जाए और कह दिया जाए ये बहुत दूर तक जा रहे हैं, इसका हमें अंतिम पद ना बताया जाए। हाँ, ये हमें श्रेणी कुछ इस प्रकार दे दी गई है, इसका हमें अंतिम पद ना बताया जाए और बताया जाए श्रेणी जा रही है जहाँ इसको जाना है, इससे कोई मतलब नहीं हमें, और हमसे कह दिया जाए इस श्रेणी का 15वां पद, मान लीजिए 50वां पद हमको निकालना है, तो इस श्रेणी का हमको मान लीजिए 50वां पद निकालना है। तो हमने T50 निकालने के लिए ट्राई किया, तो फार्मूला हमारा है ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो ए हमारा क्या है, प्रथम पद 100 प्लस एन हमारे पास अब की बार क्या है 50 माइनस वन, और डी कितना है सर्वांतर हमारा 10 है, तो ये कितना हो गया 100 प्लस 49 गुणे 10 490, ये कितना हो गया 590। तो हमारा यहाँ पर 50वां पद कौन सा बनेगा जा करके 590। ये आपका समांतरण से संबंधित सारी बात यहाँ पर हो गई। अब मान लीजिए हमें इन्हीं पदों का योग करना है, क्या करना हमें, हमारे पास यहाँ अंतिम पद कौन सा था 210 था हमने लिखा था, और 210 लिखने पर हमारे पास n इक्वल टू 12 आ रहे थे, या एक बार मैं और निकाल लेता हूँ आप लोग समझ लीजिए। अब मैं इसको स्टार्टिंग समझा दे रहा हूँ पूरा, कि अगर हमें इसका योग निकालना है, इसका हमें योगफल निकालना है कि ये जो हमें लिखा है इसका मान क्या आएगा, जिसको हम कहेंगे सम ऑफ एन। तो एस एन होता है, जो फार्मूला होता है एन बाई टू होता है, इसको कहीं पर ए प्लस एल इंटू डी ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं पर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन और डी ऐसे। ये दोनों फार्मूले अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि एल का मान होता है ए प्लस एन माइनस डी, एन माइनस वन डी, तो ए और ए मिलकर 2a बना देगा ये वाला ए और इसका वाला ए, तो यही फार्मूला है और कोई अलग चीज़ नहीं है। तो अब हमें यहाँ सबसे पहले योग निकालने के लिए हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास ये दिया है, अंतिम पद भी दिया है, हम इससे भी निकाल सकते हैं और चाहें तो इससे भी निकाल दें, और हमें सब यहाँ पर केवल और केवल n नहीं दिया, यहाँ पर भी n नहीं दिया है, यहाँ पर भी n नहीं दिया, d का मान आप देख ही रहे हैं 10-10 का अंतर है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम n निकालें, और n हम कहाँ से निकालेंगे, n हम निकालेंगे l बराबर a प्लस एन माइनस वन डी से, और l हमारा कितना है 210 है, a कितना है 100 है, n कितने हैं निकालने हैं हमें, d कितना दिया है 10 दिया है, ये हमें दिया है। अब हम इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 210 में से 100 गया तो 110 हो गया, ये कितना हो गया एन माइनस वन, और ये वाला जो 10 है इससे ये 0 कट गया, तो एन बराबर कितना हो गया 12। फिर से एक बार मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि हम एन मतलब जो है पदों की संख्या कैसे निकालते हैं 12। तो अब हमें इस श्रेणी का योग निकालना है, तो एन हमें कितना दिया है 12 बाई 2, इसमें हम रखने जा रहे हैं 2a कितना हो गया 200 प्लस एन माइनस वन डी, एन हमारा 12 आया, इसको 11 कर देंगे 12 माइनस 1, डी हमारा 10 है जिसको हम सर्वांतर बोले हैं, और ये हो जाएगा 6 गुणे 200 और ये कितना बन रहा है 110, तो ये कितना हो जाएगा 310, ये टोटल कितना हो जाएगा 6 के 6, ये आपका आंसर हो जाएगा 1860 आया। अब ये तो मैंने इस फार्मूले से निकाला था, अगर इससे हम ट्राई करें इससे, तो देखते हैं क्या होता है 12/2 ए प्लस एल 100 प्लस 210, ये देखिए ये यहाँ कितना, ये 200 आया था 110 आया था, 310 ये हुआ था, ये देखिए 2 × 1 310 ये हो गया, और 6 से यहाँ पर गुणा हो गया, तो दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालने के लिए। ये योग निकालने का फार्मूला है, समांतर श्रेणी के पदों का योग हम कैसे निकालेंगे, हमें कोई समांतर श्रेणी अगर दे दी जाए और उसमें अगर अंतिम पद दे दिया जाए तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं,
अगर अंतिम पद ना भी दिया जाए या फिर दिया भी रहे तब आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ प्रथम पद देखना है। और अगर समांतर श्रेणी का हमको प्रथम पद, अंतिम पद, सर्वांतर या पदों की संख्या संबंधित कोई काम करना है तो हम इस फॉर्मूले में जाएंगे। तो ये आपका समांतर श्रेणी संबंधित पूरा नियम था। यहाँ समांतर श्रेणी का योग भी था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, और गुणजों का योग क्या था वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह से जो योग के नियम पर आधारित जो चीज़ें थी, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब से, वो कंप्लीट हो जा रही है। अब आपके पास सिर्फ बचता क्या है, क्रमागत पदों का योग वाला बचता है, वो मैं आपको बताऊँगा। और एक बचता है हमारे पास, एक टर्म और बचता है योग में जो मैंने आपको मेंशन किया था, अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं आपको वो पूरा कंप्लीट करवाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, जिसमें मैं कुछ प्रैक्टिस करवाऊँगा क्वेश्चंस की जो मैं चैप्टर करवा चुका हूँ, और बाकी जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उनके वीडियो आपके पास आते रहेंगे।